गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सबको अच्छा होगा। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? 38 तक मैंने ये वाला मैंने करा दिया था और 38 तक आपको करने के लिए बोला था। तो आई होप आप सबने कर लिया हो। इट वॉज अ सिंपल एडिशन, ओके? तो चलिए आज हम उसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अरेंज द कॉलम एंड ऐड। तो हमें क्या करना है इसमें कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है कि कॉलम में अरेंज करना है एंड देन हमें ऐड करना है, ठीक है? तो देखिए इसको कैसे करते हैं, मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ, ओके? ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। हम लेते हैं क्वेश्चन, कौन सा? 39 वाला, ओके? मैं यहाँ पे लिखती हूँ 39 क्वेश्चन। देखिए क्या है, 279 प्लस 482, ओके? 279 प्लस 482, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे, ठीक है? तो देखिए कॉलम में अरेंज करना क्या होता है, ऐसे 279 प्लस 482, ये हमारा क्या होता है, कॉलम मेथड, ठीक है? तो हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब देखिए हम पहले ये इसका फेस वैल्यू लग देते हैं, ये क्या हो गया, वंस टेंस हंड्रेड, ओके? ये हो गया, हम हमेशा वंस से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको प्लस करिए, 9 प्लस 2 कितना होगा, 11, 11 का 1 आ गया, 1 यहाँ कैरी चला गया, ठीक है? अब 7 प्लस 8 कितना होता है, 7 प्लस 8 15 एंड 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, ओके? 16 का 6 एंड 1 यहाँ पे कैरी गया, ओके? अब 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो ये हमको आंसर मिल गया। कितना है इसका आंसर, 761, ओके? तो हमें ऐसे ये इस नंबर को जो यहाँ पे गिवन है, हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कॉलम में अरेंज करना है एंड देन हमें एडिशन करना है, ओके? मैं आपको चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ये टू नंबर वाला एडिशन, मतलब टू यहाँ पे नंबर्स थे, एक नंबर ये, एक नंबर ये, ठीक है, दो नंबर्स थे। अब मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है जिसमें थ्री नंबर्स दिए गए, तो इनको कैसे करेंगे, ओके? तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 47, यहाँ पे है 564 प्लस 53 प्लस 108, ये हमारे नंबर्स गिवन है। अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे कॉलम में, 564 प्लस 53 प्लस 108, ओके? ये हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, वंस यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15 का 5 एंड 1 यहाँ पे कैरी, ओके? अब 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2 यहाँ पे एंड 1 हमने यहाँ पे कैरी दे दिया। अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 725, ओके? तो आपको समझ में आया कि हम कैसे कॉलम्स में अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे ऐसे नंबर्स दिए गए हैं एंड हम इन्हें यहाँ पे जैसे मैंने अरेंज किया, इसको आप ऐसे कॉलम्स में अरेंज करेंगे एंड देन इसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा इतना है, ओके? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड।
अब देखिए क्या है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब हम इसे देख लेते हैं। नॉर्मल सब्सट्रैक्शन तो आप सब जानते होंगे कि कैसे करते हैं, तो बस वही हमें करना है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स कर देती हूँ। 48 का है 32 माइनस 18, ओके। तो अब ये क्या है, 2 है, ये 8 है, 2 क्या है, छोटा है, 8 बड़ा है, तो क्या होगा, हम यहाँ से इसके बगल वाले नंबर से कैरी लेंगे, ठीक है। तो ये कैरी लिए तो कितना हो गया, ये 12, और ये कितना हो गया, 1, यहाँ से 1 इसको दे दिया ये, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब 12 माइनस 8 कितना बचा हमारे पास, 4, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 माइनस 1 1, 14, ओके। सो हमें बस यही करने हैं इसमें, ठीक। चलिए एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, 57 वाला करते हैं। देखिए 801 माइनस 419, ओके। तो अब देखिए ये क्या है, 1 है, ये अगेन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं, 0 है, तो ये तो कैरी दे नहीं पाएगा, तो हम 8 से कैरी लेंगे। तो 8 से हमने जब इसे कैरी दी तो क्या हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये 10 हो गया, तो 10 अब इसको 1 कैरी दे दिया, ओके। तो ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो अब 11 माइनस 9 कितना होता है, 2, ओके। एंड अब 9 माइनस 1 कितना होगा, 9 में से 1 गया तो 8। एंड नाउ द लास्ट वन, 7 माइनस 4 कितना हो गया यहाँ पे, 3। सो 382 इज आवर आंसर, ओके। तो आपको समझ में आया, ये बहुत सिंपल सा माइनस है, इस सबको आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द डिफरेंस। ये भी क्या है, हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इन्हें कॉलम में अरेंज करना है एंड देन इसके डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखिए पीछे वाले में क्या कर रहे थे हम, कि उसे कॉलम में अरेंज करके हम क्या क्या उसका फाइंड कर रहे थे, उसके सब, दैट मीन्स हम वहाँ पे एडिशन कर रहे थे, बट हमें यहाँ क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक। तो देख हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है 64, 821 माइनस 349, ठीक है। ये हमारा है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 821 माइनस 349, ये कर लिया। तो अब क्या करेंगे, 1 छोटा है, 9 बड़ा है, तो हम इसमें से कैरी देंगे, तो कितना हो गया, ये 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब 1 छोटा है, तो इसमें से अगेन क्या करेंगे, कैरी देंगे, तो कितना हो गया, 7 हो गया, ये कितना फर्श हो गया, 11, 11 माइनस 4 7, एंड 7 माइनस 3 कितना होगा, 4। सो आवर आंसर इज 472। तो देखा आपने, हमें क्या करना है कि कॉलम वाले जो दिया है, बस हमें इसे इसे कॉलम में ऐसे अरेंज करना है एंड देन हमें जो भी वहां पे क्वेश्चन पूछा, या फिर एडिशन या फिर डिफरेंस, हमें वो फाइंड कर देना है, ठीक है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, हम इनको स्टेप्स के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, इन अ विलेज देर आर 537 मेन, 278 वुमेन एंड 123 चिल्ड्रन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें नंबर, एक गांव है, ठीक है, एक विलेज है, उसमें नंबर ऑफ मेन दिए गए हैं, नंबर ऑफ वुमेन दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। सो वी
हैव टू फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. सो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं. तो बस हमें वही करना है. बट हम इसको किसके साथ करेंगे, हम इसको स्टेप्स के साथ लिखना सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टेप्स के साथ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ. और हमें स्टेप्स मिलेंगे कहाँ से, स्टेप्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं. जो क्वेश्चन में हमारे जो भी नंबर्स गिवन होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं, हम उसी के थ्रू स्टेप्स बनाते हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, देयर आर 537 मेन. ओके, तो अभी आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मेन. ठीक है, नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 537. एंड देन हमारा क्या दिया है, नंबर ऑफ वुमेन, यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन. एंड क्या दिया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी दिया गया है यहाँ पे, तो वो भी लिख लेते हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 123. ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ऑल दीज नंबर्स हियर, 537 प्लस 278 प्लस 123. ओके, सो व्हाट, अब इसको प्लस करने पे क्या आएगा, सो इसके इन सबको ऐड करने पे कितना रहा है, 938. सो टोटल ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 938. मतलब टोटल वहां पे जितने भी मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन मिला के थे वो कितने थे, 938. ओके, तो आपको समझ में आया ये, ठीक है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमें यहाँ पे जितने भी 71 तक दिए गए हैं वो सारे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें सेम इसी तरीके से इनको करने हैं. ठीक है, स्टेप्स के साथ एंड जो भी हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा. देख लेते हैं 67 क्या है, देर आर 832 स्टूडेंट इन अ स्कूल, आउट ऑफ दिस 374 आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर स्टडिंग इन द स्कूल. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एक स्कूल है जहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 832 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, 832. आउट ऑफ दिस मतलब इनमें से कितने गर्ल्स हैं, 374 आर गर्ल्स, तो 374 गर्ल्स वहां पे हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज. सो व्हाट वी विल डू इन दिस, क्या करेंगे हम इसमें, हम टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज. ओके, सो इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे स्टेप्स के साथ. मैं यहाँ पे 67 8 वाला पढ़ती हूँ. अब राजन हैड 388 मार्बल्स, हिज सिस्टर हैड 96 मार्बल मोर देन हिम, हाउ मेनी मार्बल डिड बोथ ऑफ देम हैव एन ऑल. सो व्हाट इज गिवन इन दिस, राजन हैज 388 मार्बल्स, राजन के पास कितने मार्बल्स थे, 388 मार्बल्स थे. हिज सिस्टर हैज 96 मार्बल्स मोर देन हिम, और उनकी उसकी बहन के पास क्या थे, 96 उससे भी ज्यादा थे. किससे, राजन से 96 और ज्यादा मार्बल्स थे उसके पास. तो व्हाट वी हैव टू डू,
we have to find the total number of the marble they both have in all. Okay? So चलिए मैं इसको कर देती हूँ आपके लिए steps के साथ. ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ. देखिए 68, ओके. राजन हैज 388 मार्बल्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स राजन ओके. तो हम यहाँ पे कितना है उसका 388 मार्बल्स उसके पास टोटल थे. अब क्या है, हिज सिस्टर हैड 96 मार्बल्स मोर देन हिम. उसकी सिस्टर के पास क्या थे, 96, उससे भी ज्यादा थे. तो हमें क्या करना है, हम पहले क्या फाइंड करेंगे, उसकी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हिज सिस्टर हैड. ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल हिज सिस्टर हैड. ओके, तो 388 प्लस 96 करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, क्यों किया हमने, बिकॉज उसके पास 96 राजन से ज्यादा थी. ठीक है, मतलब जितना राजन के पास है उससे और ज्यादा 96 उसके पास थे. तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो हमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो उसकी सिस्टर के पास था वो मिल जाएगा. तो ऐड करने पे कितना आएगा, तो कितना आया 484. तो उसकी सिस्टर के पास इतने थे. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये फाइंड करना हाउ मेनी मार्बल डिड बोथ ऑफ देम हैव इन ऑल. तो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल बोथ ऑफ देम हैव इन ऑल हैव इन All. What do we do? 388. That means number of marbles जो राजन का है and उसकी sister का 484. हम क्या करेंगे, add कर देंगे. तो अब हमें क्या मिल जाएगा इसका answer. तो plus करने पे कितना आ रहा है, 872. तो इतने marbles उन दोनों के पास total थे. ठीक है, तो अब देखिए 68 तक हो गया है हमारा. ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही. आई होप आपको ये समझ आया हो. इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तब तक जो ऊपर वाले रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको आप अपनी कॉपी में खुद से करेंगे. ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर.